Today we will see chapter 7, The Last Leaf, written by O. Henry. It is a very interesting and beautiful chapter about two girls, Sue and John C. Both are such a very close friend, and third one doctor, and fourth Mr. Bearman. And who is Mr. Bearman? He was a masterpiece. It means painter. So let's start the story. Now Sue and John C. both are very close friend, and both are young artists. They have a share a small flat. The flat was on the third story of an old house. अब होता ये है कि सीव एंड जॉन सी दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और क्लोज फ्रेंड होने के साथ साथ दोनों एक आर्टिस्ट है जो कि एक रूम स्मॉल छोटा सा रूम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करने के रीजन्स में होता है क्योंकि उनका जो हाउस था बहुत ओल्ड हाउस था। सडनली नवंबर मंथ में होता क्या है कि जॉन सी को बहुत सीरियस इलनेस हो जाता है, बीमार हो जाती है। एंड आफ्टर दैट नाउ सीव वॉज वेरी वॉरिंग अबाउट हर। और उनके बाद उनकी जो फ्रेंड होती है सीव, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वॉरिंग हो जाती है। फाइनली जॉन सी क्या होती है, वो कुछ भी खाना पीना ये सब चीज़ कंप्लीटली सियावा स्टॉप पूरी तरीके से वो बंद कर देती है। नाउ जॉन सी हैव डिडंट ईट एनीथिंग, दैट्स व्हाई सीव हैव डिसाइडेड सी विल बी गो टू द डॉक्टर साइड, एंड डेफिनेटली इफ सी ही विल बिकम सो सी विल बी बेटर फॉर आर फ्यूचर। अब वो क्या करती हैं, वो सोचती है कि वो एक डॉक्टर्स के पास जाएंगी, और जैसे डॉक्टर के पास जाएंगी उसके बाद जो सीव है जॉन सी वो अच्छी हो जाएगी। जैसे वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर आता भी है, वो डॉक्टर डेली उसको देखने के लिए आता है। फाइनली जैसे डॉक्टर उसको डेली देखने भी आता है उसके बाद वो, लेकिन जो जॉन सी था उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट डे अनदर टाइम डॉक्टर टू विजिट हिम विजिट हर। फाइनली सी ही ऑब्जर्व सी हैजंट चेंज एनीथिंग एज द कंपेयर दैन लास्ट फ्यू डेज। वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें तो कोई चेंजेस आया ही नहीं। तो फाइनली वो करते क्या है, सी को पास में उनके पास बुलाते हैं, एंड डॉक्टर दैट इज आस्किंग हर, वो उनसे पूछने लगते हैं व्हाट बिकॉज एनीथिंग वॉरिड एनीथिंग प्रॉब्लम्स विद हर, उसको कुछ चीज समस्या है। बिकॉज एवरी टाइम सी वॉज अ वॉरी सी वॉज थिंकिंग अ समथिंग, क्योंकि वो डेली और कुछ ना कुछ वो सोच ही रही है। वो बताने लगती है अगर ऐसा रहा तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फाइनली वो बताने लगता है कि अगर ऐसी रही तो उनका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। अब जॉन सी उनके लिए और भी बहुत ज़्यादा वॉरी हो जाती है, क्योंकि वो बताने लगते हैं डॉक्टर अगर वो कंटिन्यू ऐसा करती रही तो मेडिसिन कोई मेडिसिन भी उनके लिए काम नहीं कर सकता। फाइनली जॉन सी क्या करती है, वो उन चीज़ों के लिए सोचने लगते हैं, वो उनके जितने भी चीज़ें थे उसके अराउंड आती हैं और वो सोचने लगते हैं क्लॉज थे फैसल्स थे क्वेश्चंस था, इन चीज़ों को थॉट्स करती है रिस्पॉन्ड करती है। बट जो जॉन सी होती है अभी भी उन चीज़ों में उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फाइनली वो क्या करते हैं, जॉन सी उनके रूम्स में जो पेंटिंग्स होता है उस बोर्ड्स को लाती है और वो पेंटिंग्स स्टार्ट करती है। लेकिन जॉन सी क्या करती रहती है माइंड अप ताकि वो उसकी इलनेस को दूर कर सके, लेकिन जॉन सी अभी भी वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, वो कुछ ना कुछ बिस्तरिंग करती रहती है। वो आउटसाइड ऑफ द वॉल वहाँ जहाँ पे क्रीपर्स था क्रीपर्स नहीं थे, वो उसको लगातार देखती रहती है और कहती है 10, 12, 11, 10, 9, 8 इस तरीके से वो क्या करते रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में काउंट करती रहती है। बार बार जैसे जैसे काउंट करती रहती है तो शी आस्क करती है कि व्हाट्स हैपन व्हाट विद यू व्हाई यू लुकिंग दैट साइड, कि तुम उस साइड क्यों देख रहे हो, बार बार उस ब्रिक्स को देख रहे हो और काउंट्स कर रहे हो क्यों। तो बताने लगती है कि यहाँ पे जो क्या है वो लीफ क्रीपर्स थे वो लगातार गिर रहे थे, इससे सबसे पहले उसमें हंड्रेड्स ऑफ लीव्स थे बट वो क्या हो रहा है गिरते जा रहा है। अब उसमें सिर्फ बहुत कम ही क्या बचे हैं लीव्स बचे हुए। तो बताने लगती है कि ये क्या है एक स्पेशली एक शमटेंस, और ये एक ऐसा सिचुएशन है एक ऐसा वेदर है जिसमें ये क्या होता है फॉल्स होते हैं।
ऑटम का सीजन है इसलिए वो गिर रहा है, तो इसमें कोई वॉरी नहीं। तो अपने आप को बताने लगते कि नहीं, जैसे जैसे वो क्रीपर स्लिप्स गिरते जाएगा मैं भी बहुत जल्दी ही गाय के नज़दीक आ जाऊंगी। तो वो कहने लगती है, जॉर्जी कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरने नहीं जा रहे हो और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फाइनली जॉर्जी के लिए सी क्या करती है, उनके लिए सूप लाती है उसको पिलाने के लिए। बट जॉर्जी ना तो कोई चीज़ों को खाने में इंटरेस्ट थी ना कि सूप को पीने में। अब सी के होता क्या कि बहुत ज़्यादा वॉरिड हो जाती है कि वो कुछ खाती भी नहीं है। वो उनको बार बार कोशिश करती है कि नहीं, जब तक मैं पेंटिंग्स नहीं बना लेती तब तक तुम आउटसाइड नहीं देखोगे, कि वो उसको चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था आउटसाइड को देखने का वो उससे अपने आप को हटा सके। फाइनली अब कंटिन्यू वो एक्सपेक्टेशंस करती रहती है कि कैसे भी करके वो क्या करे, उनका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करे। अब होता ये है कि जॉन्सी, लेकिन उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उस वॉल पे होता है, उस लिप्स पे होते हैं जो लगातार विंड्स के ब्लो के कारण और जो ऑटम्स में क्या होता है आइस के कारण वो नीचे गिर रहा था। अब फाइनली जो शिव के पास तो कोई अदर ऑप्शन तो थे नहीं, इसलिए वो कहती है कि नहीं, बेस्ट थिंग्स फॉर हर इफ सी विल बी डू समथिंग। अब वो एक मास्टरपीस के पास जाता है एज अ पेंटर, व्हाट इज द नेम, मिस्टर बैलमैन के पास। ही वॉज एज अ 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन एंड ही वॉन्ट टू बिकम एज अ मास्टरपीस ऑफ अ पेंटर ऑफ अ पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स भी वो एक मास्टरपीस बनना चाहता था, इस मास्टरशिप बनना चाहता था। फाइनली उनको बुलाया जाता है, वो जैसे ही बुलाता है तो कहने लगता है इज इज मैन, क्या वो पागल है, तू ऐसे क्यों कर रही है। तो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बताने लगता है कि उनको क्या हुआ है, निमोनिया। याद रखना उसको एज एन इल में जब पूछा जाए तो आपको यही बताना पड़ेगा कि उसको हुआ क्या है, निमोनिया हो गया था और निमोनिया के कारण वो अपने आप से बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, गिव अप कर चुकी है, हार मान चुकी है। तभी जो सी होती है और जो बैरमैन होते हैं उनके थ्रू एक प्लानिंग्स होता है कि कैसे भी करके उस अपोजिट वॉल में वो एक पेंटिंग्स करें। वो पेंटिंग्स क्या था, एज अ लीप जो हमारा क्रीपर्स लिप था उसकी पेंटिंग। अब क्या करते हैं, अब बार बार जो बैरमैन होता है उसके पास जाता है, लेकिन सी उस जॉन्सी को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखती है ताकि वो उसको मत देखे। एटलीस्ट जो सिक्स जो लिए लीप्स बना होता है वो लगातार काउंट्स करती रहती है, 12, 11, 10। लेकिन बैरमैन क्या करता है, वो नाइट्स में एज स्टेयर्स के थ्रू वहाँ पे एक पेंटिंग्स बनाता है उस वॉल पे। अब लगातार क्या होता रहता है, एक दिन वो इवनिंग्स में एज अ वेरी कोल्ड विंड हैव अ ब्लोइंग एंड दे हैव अ आइस आल्सो फॉल इन दैट सडनली कंटिन्यू वन बाय वन दैट वाज द क्रीपर लीव्स हैव अ फेल डाउन। लगातार होता क्या है कि 11 के बाद 10 हो जाते हैं, 10 के बाद 9, 7, 5, 6, 4, 3, इस तरीके से जस्ट अपोजिट क्या होता है एज अ रिमेंस होते जाते हैं। अब लास्ट हो जाता है कि वो लगातार उसको देखती रहती है, अपने आप का जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो उसको लॉस कर देती है। अब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा गाय के नज़दीक आने लगते हैं, उनको लगता है कि अब उस क्रीपर्स में सिर्फ एक लीफ ही बचा है, इफ दे विल बी फेल डाउन सो आई विल डाई एंड दिस वर्ड्स मैसेज टू हर क्लोज फ्रेंड विच वन सीव। सीव से कहते हैं कि अब सिर्फ एक लीफ ही लीफ बचने वाला है, अगर वो लीफ भी गिर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इस तरीके से वो अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन करती है, पर जॉन्सी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लिप को देखो वो अभी गिरने वाला नहीं है। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा उसको कोशिश करने लगता है। अब बार बार क्या होता है, ये सब चीज़ करने से जो बैरमैन होता है वो बहुत ज़्यादा वेटेज हो जा रहता है, उनकी क्लॉस पूरी तरीके से वेट हो जाते हैं, शूज वेट हो जा रहता है। फाइनली जो बैरमैन होता है वो ठंड से कांपने लगता है। अब वो जब अपने घर वापस जाता है तो उसको भी क्या हो जाता है, बहुत से सीरियस कंडीशंस पे आ जाता है। वो बोलता है कि नीचे सो, हाँ तो वो नीचे सोने के बाद जब वो जाता है तो देखता है कि कुछ देर बाद वो ठंड से क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, किसकी, मिस्टर बैरमैन की। तो वो क्या होता है, इनफैक्ट है उनको भी ठंड के कारण और वेट क्रॉस के कारण क्या हो गया था, निमोनिया हो गया, जिस कारण से वो एक ओल्ड पर्सन था, इस कारण से उनकी डेथ हो गई। अब होता क्या है, जॉन्सी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि यार वो पत्ता ही तो बचा है ना, एंड वो गिर क्यों नहीं रहा है,
वो लगातार वही चीज सोच रहे थे कि जैसे वो लास्ट लीप गिरेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो गिर ही नहीं रहा था। वो बार बार देखता है कि एक दिन जब होता ही है कि इवनिंग में बहुत फास्टेस्ट विंड ब्लो करने लगता है और वो रेनिंग से स्टार्ट से जाते हैं। फाइनली वो सोचने लगते हैं कि आज तो वो लिफ्ट जरूर गिर जाएगा, बट होता है कि उस सिचुएशन पे भी उनका जो ध्यान होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, वो उस अपोजिट वॉल पे ही रहता है। अब वो सोचने लगते हैं कि कैसे नहीं गिर रहा, बार बार उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उस वॉल पे ही रहता है। तो वॉल पे रहने के कारण वो सोचते रहते हैं यार गिर क्यों नहीं रहा है फाइनली, लेकिन वो गिरता ही नहीं रहता है। तब अब उसमें क्या है, जो सी होती है वो कहती है कि देखो इस अगले दिन जब मॉर्निंग में होता है कि ये पूरी रात इतने विंड पे भी क्या हुआ ये नहीं गिरा, तो तुम भी इस निमोनिया से, इस डिसीज से, इस इल से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो, तब नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। जैसे ये लीव्स क्या हो रहा है कभी नहीं गिर रहा है, तो वैसे तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इस तरीके से वो क्या होती है, मोटिवेट होती है। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो जॉर्जी होता है उनमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। अब उनका हेल्थ बहुत अच्छा होने लगता है और फाइनली जब वो अच्छी हो जाती है तो वो एज अ मास्टरपीस करती रहती है, पेंटिंग्स करती रहती है। तभी सी बताती है इसके बारे में, लिप्स के बारे में, कि वो लिप कैसे नहीं गिर रहा है। तो बताने लगते हैं दैट इज़ अ नॉट अ रियल लिप, क्योंकि वो एक रियल लिप नहीं है, दैट इज़ द मास्टरपीस ऑफ मिस्टर बैरमैन। बैरमैन भले मर गया लेकिन उनकी जो मास्टरपीस थी उन्होंने क्या कर दिया, एक पर्सन की जान बचा ली, उसको एक अलाइव कर दी। तो फाइनली उसी चीज़ों को वो देखते हुए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है और अपने लाइफ में जो वो अपने आप को गिव अप कर चुकी थी वो धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। जैसे जैसे वो लिव अलाइव सर्वाइव करते जाता है वैसे वो भी अपनी लाइफ से सर्वाइव करती जाती है। और इस तरीके से जो वो चैप्टर है वो फिनिश होता है। सो डियर स्टूडेंट थिंक अबाउट दिस, इट मीन्स निर्मल दिवा कभी हार मत मानो, सिचुएशन चाहे कैसा भी हो आप उससे क्या कर सकते हो, विक्ट्री पा सकते हो। नाउ अवर चैप्टर द लास्ट लीफ हैव फिनिश्ड हियर। इफ यू लाइक इट सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।